यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मौतें हुई उन सभी मौतों को कोई भी ब्यूरियल सेरेमनी नहीं करी गई थी, किसी भी तरह की कोई प्रेयर या सेरेमनी करके उन लाशों को अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अभी मैं जिस जगह पे आपको लेके जाऊंगा, यहाँ का सेंट मेरीज चर्च और सिमिट्री, जो कि 1857 की क्रांति का उस समय जो कैजुअल्टीज हुई थी उसका एक बहुत ही दर्दनाक प्रतीक है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मौतें हुई उन सभी मौतों को कोई भी ब्यूरियल सेरेमनी नहीं करी गई थी, किसी भी तरह की कोई प्रेयर या सेरेमनी करके उन लाशों को अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, जबकि यूं ही डंप करके वहाँ पे एक छोटा सा सिमिट्री हाउस बनाया गया है, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह को कब्रिस्तान के रूप में देखा जा रहा है। अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको हर जगह पे यहाँ पे सिर्फ कब्रें बनी हुई हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 2000 से भी अधिक कब्रें हैं। बट मुख्यतः रूप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ कब्रें बनी हुई हैं जो कि बड़ी पोस्ट पे जितने भी अंग्रेज जनरल हुआ करते थे उनकी कब्रें हैं। जैसे कि यहाँ पे सर हेनरी की कब्र होगी, आपको देखने को मिलेगा, और कुछ बड़ी और खूबसूरत भी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ का आर्किटेक्चर। पहले यहाँ पर एक चर्च हुआ करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, शायद आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह का था, बट इस समय यहाँ पर चर्च नहीं है। और साथ ही हल्का सा मुझे शिकायत है हमारी सरकारों से कि जब वो इस चीज को रेनोवेट करती हैं तो उसकी आर्किटेक्चर को, उसकी खूबसूरती को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए इस चीज को नहीं किया जाता, जिससे हमारी धरोहर जो हमारे हाथ में है अभी वो धीरे धीरे फिसलती हुई देखने को मिल रही है। रेसिडेंसी में एंटर करने के बाद आपको आज मैं राइट साइड के तरफ को घुमाऊंगा जो कि नेटिव हाउस है, बट पिछली वीडियो में हमने लेफ्ट साइड की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया, जैसे फेयरर हाउस, इमाम बाड़ा, बेगम कोठी। अगर आपने अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ नेटिव हाउस की तरफ। तो नेटिव हाउस गार्ड गेट के जस्ट सटी हुई एक बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़े हॉल टाइप का है, जो कि मुख्यतः इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 13th इन्फेंट्री में काम करते थे। अब रेजिडेंसी में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो रहा करते थे और यहाँ पर इंडियन सोल्जर रहा करते थे। इसके इंचार्ज लेफ्टिनेंट एटकिन थे, जिसके कारण इसे एटकिन पोस्ट भी बोला जाता है, या इस बिल्डिंग को नेटिव ऑफिसर्स बिल्डिंग भी बोला जाता है। इनकी अलग से ग्रेव भी यहाँ पर है। नेटिव हाउस के एडजेसेंट में बिल्डिंग ट्रेजरी हाउस बनी हुई है। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सोना चांदी रखा हुआ होगा, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जिस समय 1857 के समय पे क्रांति के दौरान इसे आर्म हाउस की तरह यूज किया गया था, जहां पर गोले और बारूद रखे गए थे। अभी अगर आप आएंगे तो ये आपको ध्वस्त होती दिखने को मिलेगी, और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो भी जा रहा है। कुछ दीवालों पे, कुछ जगहों पे आपको इसकी कला देखने को मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरती से, बारीकी से तराशी गई थी, बट और बाकी दीवालों पे आप देखेंगे जो कि रिपेयर होती हैं, तो उस जगह पे कोई भी खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, प्लेन दीवारें बना दी जा रही हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो लोग इसको वीडियो को देखते हैं और अगर वो लोग इस चीज़ों को बना रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि हमारी धरोहर हमारे हाथ में बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।